अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ लाल भाजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी कैसे बनाना है तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वॉश कर लेना है, इसकी जो जड़ें हैं इसको काट के पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। और हमने कट कर लिया है, तो एक कढ़ाई रख लेते हैं गैस पर। ऑयल डाल दिया है हमने, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम इसमें बारीक कटे हुए लहसुन डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ब्राउन हो चुकी हैं लहसुन की कलियां, तो अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे, इसे भी ब्राउन फ्राई करेंगे। अब ब्राउन हो चुकी है तो हम इसमें 2 से 3 टमाटर डाल देंगे बारीक कटे हुए, इसे भी 1 मिनट फ्राई करेंगे। अब थोड़ा रुक रुक के इसे हम लाल भाजी डालते रहेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमने सारे मसालों को मिक्स कर दिया है अच्छे से, और बाकी सब्जियों को भी डाल दिया है हमने। तो इस तरह से हमने चलाते हुए सभी मिक्स कर दिया है मसालों को सब्जियों के साथ। अब इसे हम ढककर रख देंगे 10-12 मिनट के लिए। तब इसे हम खोल कर देख लेते हैं। इसमें हम डाल देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और अभी भी इसमें पानी है तो इसे हम और पकाएंगे, कुक करेंगे और ढक कर रख देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो अब खोल कर देख लेते हैं, तो पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा और भूनेंगे इसे हम। तो बन के रेडी है सब्जी, तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें और मुझको ज़रूर बताएं कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।